हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.5 का सेकेंड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन और कुछ इंट्रोडक्शंस को आप लोगों ने देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दिया है सेकेंड निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना मतलब जैसे आप लोगों को दिखे सरल कर देना है, इसको हल कर देना है। सब ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, आप लोग पढ़े हैं क्लास सेवन में। जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह न हो तो गुणा माना जाता है, तो सबका यहाँ गुणा दिया हुआ है तो गुणा कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सरल करते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को रूट वाले संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा और भाग बताया हुआ है। गुणा करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले यहाँ का एक संख्या लेंगे, इस दोनों में गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ का एक संख्या, फिर दोनों में। जैसे इस तीन का हमको करना है दो में, तो जानते हैं आप लोग तीन का दो में गुणा होगा तो छह होगा। चिन्ह का भी गुणा करते हैं, ध्यान देंगे दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। अब देखिए प्लस तीन का इस रूट दो में करना है तो क्या होगा, हमने बताया था इसका इसमें जब गुणा करेंगे चिन्ह प्लस ही या दोनों का तो प्लस रहेगा, तीन रूट दो हो जाएगा गुणा करेंगे तो। फिर देखिए इस तीन का हमने इस दोनों में कर लिया गुणा, अब इस रूट थ्री का इस दोनों में करना है तो रूट थ्री का जब टू में करेंगे, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे तो टू रूट थ्री होगा। फिर देखिए रूट थ्री का रूट टू में करना है तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, रूट थ्री रूट टू का जब गुणा करेंगे दो रूट वाले संख्याओं का गुणा तो टू का थ्री में तो सिक्स हो जाएगा। तो देखिए यहां से अगर कोई संख्या जोड़ने घटाने वाला होगा तो जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं तो यही आंसर लिख देंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कोई संख्या रूट वाले संख्या जब समान हो तभी उसको जोड़ सकते हैं या माइनस में हो तो घटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यही आंसर लिख लेते हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दिया है तीन प्लस रूट थ्री तीन माइनस रूट थ्री, तो जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया अभी इस तरह से भी आप लोग इसका गुणा कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए फार्मूला है तो फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। क्लास सेवन्थ में आप लोग पढ़ चुके हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, तो फार्मूला जब करेंगे तो होता है ए का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर और माइनस करके बी का स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन माइनस रूट थ्री का जब स्क्वायर करेंगे, हमने बताया कि एक ही संख्या अगर रूट वाला दो बार गुणा हुआ हो समान हो रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो तो हो जाता है केवल थ्री, रूट हटाएंगे तो नौ में से तीन को जब घटाएंगे तो छः आएगा, ये आंसर हो जाएगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग लिखते हैं पहले इसका स्क्वायर हो जाता है फार्मूला, फिर प्लस इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर प्लस 2ab फार्मूला होता है तो 2 इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, रूट फाइव का स्क्वायर केवल फाइव होगा प्लस रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लेते हैं केवल टू होगा, और प्लस यहां देखिए टू इंटू फाइव का टू में मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट वाले संख्याओं का तो टेन हो जाएगा। यहां दोनों संख्याएं रूट में नहीं है तो इनको एक में जोड़ सकते हैं तो सात प्लस दो रूट दस, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम लोग फार्मूला वाला लिख लेते हैं इसका स्क्वायर और माइनस करके इसका स्क्वायर हो जाता है, फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो केवल फाइव, और माइनस अंडर रूट दो का स्क्वायर केवल दो, फाइव में से टू को जब माइनस करेंगे तो थ्री, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं।
क्वेश्चन में देखिए दिया है, हम लोग इसको समझते हैं। कह रहा है कि जो पाई को हम लोग लिखते हैं, पाई का जो मान होता है वो सी बाई डी होता है। आप लोग ये पढ़ चुके हैं, एक फार्मूला बनाया गया है, जो पाई होता है कह रहा है सी बाई डी होता है। सी क्या है? किसी वृत्त का परिधि है। देखिए यहाँ पर हम लोग कोई वृत्त बनाते हैं, इसका परिधि मतलब बाहर का लंबाई यही होता है सी, और इसका व्यास होता है वृत्त का ये होता है डी, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला होता है क्या सी, ऐसे पूरा जो घुमा के आया है। तो कह रहा है कि पाई का मान होता है सी बाई डी, तो यहाँ पर ये अंतर विरोध हो रहा है, मतलब एक दूसरे का विरोध हो रहा है। क्या? पाई तो है अपरिमेय संख्या, और सी बाई डी जिसको बटे में लिखा जाए वो होता है परिमेय संख्या, तो यहाँ विरोध हो रहा है एक दूसरे का। कैसे हम लोग अपरिमेय संख्या को परिमेय के बराबर लिख सकते हैं? यही कहा है कि इसका आप लोग निराकरण कैसे करेंगे, इसके उत्तर में आप क्या बता सकते हैं, क्यों यहाँ अंतर विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए आप लोग कैसे इसका उत्तर लिखेंगे, कुछ नहीं है, बस सिंपल ऐसे इसको बता देना। हम लोग लिखेंगे कि मान लीजिए कोई वृत्त हमने लिया, इसको अगर हम लोग स्केल से मापना चाहें इसकी लंबाई को, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम स्केल यहाँ रखते हैं, ये लंबाई, लंबाई का मतलब यही होता है सी परिधि, तो हम लोग स्केल रख रख के ऐसे मापेंगे, तो हम लोग ओरिजिनल मान इसका जो वास्तविक मान है सी का वो नहीं माप पाएंगे किसी भी तरह से। एक वृत्त का जब हम लोग माप करेंगे, सी को मापेंगे, परिधि सी मतलब, तो जरूर थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, उसका एग्जैक्ट मान हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग पता नहीं कर सकते हैं सी यहाँ जो है ये परिमेय संख्या ही है। अपरिमेय भी हो सकता है जब हम लोग वास्तविक मान उसका नहीं ले सकते, तो अपरिमेय भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां, लिखेंगे यहां कोई अंतर विरोध, कोई अंतर विरोध नहीं है, यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये सी अपरिमेय हो तो अपरिमेय में किसी परिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि सी या डी अपरिमेय हो सकते हैं। सी या डी में से अगर कोई अपरिमेय हो जाए तो अपरिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर होंगे, तो कोई अंतर विरोध नहीं है, सी या डी अपरिमेय कोई एक हो सकता है उसमें से, तो यही यहां लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है, तो इसको निरूपित करने के लिए आप लोग जानते हैं कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना जान चुके हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5 को भी आप लोग दिखा चुके हैं, लेकिन अब रूट में दशमलव वाला संख्या है तो इसको कैसे आप लोग दिखाएंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या है। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ये 9.3 जो दिया है, तो आप लोग स्केल की सहायता से 9.3 सेमी का यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। हम रेखा को बड़ा बनाएंगे आप लोगों के समझने के लिए। ये रेखा मान लीजिए ए बी हमने खींचा, ये जो रेखा खंड है ये इसकी लंबाई कितनी है, ये हमने खींच लिया 9.3 सेमी का, ये जो रेखा खंड हमने खींचा यहाँ से यहाँ तक वाला ए बी, ये कितना दूरी है इसका 9.3 सेमी का ए बी हमने खींचा, ध्यान दीजिएगा 9.3 कहाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी से एक सेमी और हम लोग खींचेंगे एक्स्ट्रा में। देखिए ध्यान क्या देना है, ए बी हमने खींचा कितना जो क्वेश्चन में दिया है, और बी से हम लोग कितना और खींचेंगे, एक सेमी का और खींचेंगे हम लोग। मान लीजिए हमने खींच लिया यहाँ सी तक, ये कितना है दूरी यहां से यहां तक वाला, यहां से यहां तक
एक सेमी हमने और भी खींच लिया, ध्यान देंगे एक्स्ट्रा में हमने एक सेमी और खींच लिया 9.3 के बाद। अब देखिए करते क्या है हम लोग, इस जो रेखा है रेखाखंड AC इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे प्रकार की सहायता से। कैसे बांटते हैं आप लोग जानते हैं, AC जो हो गया है इसी को बांटेंगे कैसे, A से प्रकार को रख के आधा से अधिक दूरी लेके ऊपर और नीचे ऐसे चाप लगाएंगे और इसी दूरी से एक बार ऐसे और चाप काटेंगे, जहां ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसको मिलाते हुए एक रेखाखंड ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए हमने ये सीधा खींचना था ऐसे हमने खींच लिया, तो हम लोग एक सीधा बीच से दो बराबर भागों में बांटते हुए खींच लेंगे। मान लीजिए ये काट रहा है M पर, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमने पहले 9.3 सेमी का रेखाखंड खींचा फिर एक सेमी का और खींचा और ये जो रेखाखंड हो गया है इतना पूरा बड़ा इसको हमने दो बराबर भागों में बांटा आधा से अधिक दूरी लेकर, बांटना आप लोग जान चुके हैं क्लास 8 में। यहाँ पर हमने जहाँ पर ये कट रहा है बिंदु M ले लिया, अब देखिए क्या करना है, इसी M पर प्रकार को रखेंगे, प्रकार को M पर रखेंगे और ये वाला दूरी लेंगे, मतलब एक वृत्त बनाएंगे अर्धवृत्त ऐसे बना देंगे, ध्यान में रहे, इस M पर प्रकार को रखेंगे और यहां प्रकार को लगाएंगे यहां से ये दूरी लेके और ऐसे एक अर्धवृत्त बना देंगे। अब देखिए क्या करना है, इतना करने के बाद B पर हम लोग एक लंब खींचेंगे, B पर क्या करेंगे चांदे को रखेंगे ऐसे और एक सीधा सा लंब खींच लेंगे, यहां B पर हम लोग एक लंब खींच लेंगे, मान लीजिए हमने BD ले लिया। अब यही जो BD है यही क्या है 9.3 सेमी है रूट में 9.3 सेमी है BD। अब देखिए क्या करेंगे, ये BD वाला दूरी हम लोग लेंगे ऐसे, BD वाला दूरी लेंगे और ऐसे एक चाप को लगाएंगे इधर और ये रेखा को क्या करेंगे बढ़ा लेंगे ऐसे, जहां पर ये चाप काटेगा मान लीजिए इसका नाम हमने लिखा P, यही P बिंदु क्या करेगा रूट में 9.3 को निरूपित करेगा संख्या रेखा पर। तो इस तरह से आप लोगों को रूट 9.3 को मतलब 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले 9.3 सेमी का एक रेखा खींचेंगे फिर एक सेमी का और खींचेंगे और जो बड़ा वाला इसको दो बराबर भागों में ऐसे बांट लेंगे, फिर यहाँ पर प्रकार को रख के एक वृत्त बनाएंगे और बी पर एक लंब खींचेंगे, लंब जो होगा ये जहाँ वृत्त को काटेगा वही BD हो गया और इसी BD वाला दूरी को लेके ऐसे एक चाप लगाएंगे तो संख्या रेखा को आगे बढ़ाएंगे जहाँ कटेंगे दोनों वही रूट में 9.3 होगा। अब इसी को आप लोगों को यहाँ लिखना भी है तो आप लोग लिख सकते हैं, इतना कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि सबसे पहले 9.3 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचा, बी से एक सेमी और BC खींचा, उसके बाद क्या करेंगे हमने क्या किया है AC का लंबार्धक खींचा जो M पर मिलता है, अब हम लोग M को केंद्र मानकर M A दूरी लेकर हम लोगों ने एक वृत्त बनाया अर्धवृत्त, B पर हमने एक लंब BD खींचा, BD दूरी लेकर B से हमने एक चाप लगाया जो AC रेखाखंड को बढ़ाने पर P बिंदु पर काटता है, अर्थात यही P बिंदु रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाता है। जो हमने बोला है इसी को आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे रचना में, इसको रचना में लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए परिमेयकरण करने के लिए हमने बताया था परिमेयकरण क्या है, नीचे से रूट वाले संख्याओं को समाप्त करने को परिमेयकरण कहते हैं, रूट वाला संख्या अगर एक ही पद में है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा करके समाप्त करते हैं, अगर दो पद में होंगे तो चिन्ह बदल के दोनों संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ हम लोग किससे गुणा करेंगे, लिखेंगे रूट 7 से
अंश व हर में गुणा करने पर, रूट सात से हम लोग अंश और हर में गुणा कर लेंगे तो क्वेश्चन है 1/√7, इसी में गुणा कर लेना है, ऊपर भी रूट सात से और नीचे भी रूट सात से। जब गुणा करेंगे रूट सात का एक में तो रूट सात ही रहेगा, और अपान में देखिए सात और सात, रूट सात रूट सात, जब जो जब दो संख्याओं का गुणा हो, संख्याएं समान हो, तो ऐसे लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे से रूट कैंसिल हो गया। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड वाले को। यहां देखिए हम लोग किससे गुणा करेंगे, लिखेंगे अंश व हर में किससे गुणा करेंगे, चिन्ह बदल के, हमने बताया जब एक से ज्यादा पद होंगे तो रूट सात प्लस रूट छ, रूट सात प्लस रूट छ से गुणा करने पर। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं यहां पर। तो अब देखिए क्वेश्चन है 1/√7 माइनस रूट छ, हम लोग गुणा करेंगे रूट सात प्लस रूट छ से, एक से ज्यादा पद हैं, दो पद होंगे तो चिन्ह बदल के गुणा करेंगे। गुणा हम लोग कर रहे हैं रूट सात प्लस रूट छ से। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए रूट सात प्लस रूट छ का एक में जब गुणा होगा तो रूट सात प्लस रूट छ ही रहेगा, और अपान में यहां देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं रूट सात का स्क्वायर माइनस रूट छह का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ऊपर तो वही संख्या रहेगा रूट सात प्लस रूट छह, अपान नीचे होगा रूट सात का स्क्वायर केवल सात माइनस रूट छह का स्क्वायर केवल छह। आप लोगों को हमने ये बताया था क्यों होता है। अब यहां लिखेंगे रूट सात प्लस रूट छ बटे सात में से छ को घटाएंगे एक, नीचे एक नहीं भी लिखेंगे तब भी आंसर इतना लिख सकते हैं रूट सात प्लस रूट छ, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हल करते हैं। यहां पर भी हम लोग गुणा करेंगे रूट फाइव प्लस, प्लस में देखिए रूट टू है तो रूट फाइव माइनस रूट टू से अंश व हर में गुणा करेंगे, अंश व हर में गुणा करने पर, अंश हर में जब गुणा करेंगे, क्वेश्चन है 1/√5 प्लस रूट टू है, हम लोग रूट फाइव माइनस रूट टू से गुणा करेंगे चिन्ह बदल के, ऊपर भी और नीचे भी, गुणा करेंगे तो ऊपर रूट फाइव माइनस रूट टू ही रहेगा, और अपान नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा, तो रूट फाइव का स्क्वायर और माइनस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट फाइव माइनस रूट टू, और अपान नीचे में रूट फाइव का स्क्वायर केवल फाइव और माइनस रूट टू का स्क्वायर केवल टू, तो रूट फाइव माइनस रूट टू अपान फाइव में टू को माइनस करेंगे तो थ्री, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को देख लेते हैं। यहां हम लोग किससे गुणा करेंगे, 1/√7 माइनस टू दिया है तो चिन्ह को बदलते हैं, रूट सात प्लस दो से ऊपर भी और रूट सात प्लस दो से नीचे भी गुणा कर लेंगे। यहां पर लिख लेंगे आप लोग एक लाइन कि रूट सात प्लस दो से ऊपर और नीचे, मतलब अंश व हर में गुणा करने पर। तो ऊपर देखिए अंश में रूट सात प्लस दो ही रहेगा, गुणा होगा तो नीचे ए, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला लिखेंगे रूट सात का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, तो होगा यहाँ रूट सात प्लस दो और बटे रूट सात का स्क्वायर सात माइनस दो का स्क्वायर चार। अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं रूट सात प्लस दो बटे सात में से चार घटाएंगे तो तीन, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। हमने इंट्रोडक्शन जो बताया उसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज ये प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में आप लोग अगला प्रश्नावली 1.6 और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे।